जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम व्यास, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आर्किटेक्ट लाइन। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जो बात करनी है वो दो स्मार्टफोन के बारे में आपको बताना। बेहतरीन स्मार्टफोन है और दोनों की मांग काफी ज्यादा इंडिया में और नंबर वन स्मार्टफोन है, लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। मैं लास्ट में एक अपडेट भी बताने वाला हूं और अगस्त के पहले हफ्ते में कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं उनके बारे में बताऊंगा। ये दो स्मार्टफोन है आज की वीडियो में, रेडमी का नोट 13 प्रो प्लस के बारे में बताऊंगा वर्सेस मोटोरोला का एज 50 प्रो के बारे में। दोनों की मांग बहुत ज्यादा है और काफी अच्छे एक्सपर्ट स्कोर के साथ में, रेटिंग भी काफी अच्छी है, 10 में से 8 8 स्टार लोगों ने दिए हैं, काफी अच्छी रेटिंग के साथ में स्मार्टफोन है। बात करें अगर रिलीज डेट की तो 10 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ था 13 प्रो प्लस, और मोटोरोला का H50 प्रो तो 9 अप्रैल को लॉन्च हुआ था अभी हाल ही में। एंड्रॉइड सिस्टम की अगर बात करें तो प्रो प्लस जो है एंड्रॉइड वी 13 पे काम करता है और H50 प्रो एंड्रॉइड वी 14 पे काम करता है। दोनों की चिपसेट लगभग सेम ही अच्छा स्कोर निकाल के देते हैं। प्रो प्लस में आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक का 7200 का चिपसेट जो कि ठीक है, अच्छे गेमिंग कर सकते हैं। वही मोटोरोला की बात की जाए H50 प्रो की तो इसमें आपको 7S Gen 3 का प्रोसेसर, ये भी ठीक प्रोसेसर है। एंटीटू स्कोर की बात करें तो प्रो प्लस जो है ये लगभग 6,98,000 यानी 7 लाख के आसपास स्कोर निकाल के देता है। वहीं अगर मोटोरोला H50 प्रो की बात करें तो ये 8 लाख के आसपास स्कोर निकाल के देता है। एंटीटू स्कोर में थोड़ा सा फर्क है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। प्रो प्लस में आपको देखने को मिलेगा 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली 3D कर्व डिस्प्ले मिलेगी, 1.5K के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है और 2000 निट स्पीक ब्राइटनेस आपको देखने मिलेगी, HDR प्लस का भी सपोर्ट मिलता है। तो डिस्प्ले कर्व है, अच्छी डिस्प्ले दी गई है। मोटोरोला की बात करें तो इसमें 6.7 इंच की फुल HD प्लस इसमें भी आपको डिस्प्ले मिलती है, OLED डिस्प्ले मिलती है, 3D कर्व है इसमें भी आपको डिस्प्ले मिलेगी, स्पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इस डिस्प्ले का आपको देखने को मिलेगा। ये डिस्प्ले 1.5 के रेजोल्यूशन वाली, HDR का सपोर्ट भी मिलता है और IP68 की रेटिंग मिली हुई, वाटरप्रूफ डस्टप्रूफ स्मार्टफोन है ये दोनों। दोनों में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, विक्टस का प्रोटेक्शन प्रो प्लस में आपको देखने को मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन की वेट की बात करें तो भाई थोड़ा सा वेट प्रो प्लस का ज्यादा है क्योंकि ये 204 ग्राम का स्मार्टफोन है और 186 ग्राम का मोटोरोला का H50, तो हल्का है स्मार्टफोन मोटोरोला का। कैमराज की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन बेहतरीन OIS लेंस मिलते हैं, स्टेबलाइजेशन लेंस मिलते हैं, दोनों में ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप मिलता है। प्रो प्लस की अगर बात करें 200 मेगापिक्सल का मैन OIS लेंस मिलता है जो कि ठीक है, अच्छे फोटो क्लिक करता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस दिया गया है। मोटोरोला H50 प्रो की अगर बात करें तो इसमें ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप मिल जाता है, पर कैमरा इसमें 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल प्राइमरी लेंस मिल जाता है और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड इसमें आपको देखने को मिलेगा, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा लेंस भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि एक अच्छा लेंस है। कैमराज की अगर कंपेयर किया जाए, अगर लोगों ने जो रेटिंग दी है मोटोरोला H50 प्रो को दी है क्योंकि इसके कैमराज थोड़ा से बेहतर हैं रेडमी के स्मार्टफोन से। सामने की तरफ भी सेल्फी के लिए भी कैमरे में फर्क है, 16 मेगापिक्सल का प्रो प्लस में आपको देखने को मिलेगा और 50 प्रो में आपको 50 मेगापिक्सल का लेंस मिलता है वाइड एंगल, तो सामने के लेंस में भी काफी अंतर है दोस्तों। अब बैटरी की अगर हम बात करें तो भाई 5000mAh की बैटरी मिलती है प्रो प्लस में आपको जो कि 120 हाइपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, तो 5000mAh की बैटरी बड़ी है। वहीं 4500mAh की मोटोरोला H50 प्रो में देखने को मिलेगी जो कि 125 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, 125 वाट टर्बो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अब बैटरी की अगर कैपेसिटी की बात करें, चलने की बात की जाए तो भाई बैटरी ज्यादा जो है बेहतर मोटोरोला की मानी जा रही है, 4500mAh की जरूर बैटरी है पर मोबाइल के हिसाब से यानी स्मार्टफोन के हिसाब से काफी कम बैटरी खपत करती है। टाइप सी मिल जाता है देखने को, ऑडियो जग भी आपको देखने को मिल जाएगा, सभी तरह के सेंसर मिल जाते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों रैम स्टोरेज और प्राइस की बात करें इन दोनों स्मार्टफोन की तो भाई 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज में आपको देखने को मिलेगी, अच्छी स्टोरेज मिल जाती है इसमें दोनों स्मार्टफोन में देखने को। 8GB रैम 256 स्टोरेज की अगर प्राइस की बात करें प्रो प्लस की तो ये पहले इसकी प्राइस जो लॉन्च हुआ था 33,999 रुपए प्राइस थी, लेकिन इस वक्त ये स्मार्टफोन 19% ऑफ चल रहा है, अमेजोन पर आप खरीद सकते हैं 27,599 रुपए की प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा, आप खरीद सकते हैं प्रो प्लस भी। लेकिन अगर मोटोरोला की बात करें तो ये भी काफी अच्छा स्मार्टफोन है, 8GB रैम 256GB स्टोरेज में ये स्मार्टफोन भी आपको पड़ेगा, जिसकी प्राइस पहले थी 36,999 रुपए की प्राइस में मिल रहा था, लेकिन ये भी 30,000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, 30,600 रुपए के आसपास। तो मोटोरोला H50 प्रो एक बेहतरीन स्मार्टफोन है, इस वक्त लोगों की मांग भी है, आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। मोटोरोला के स्मार्टफोन इस वक्त लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। अपडेट के बारे में मैं बता दूं आपको, जैसे कि 2-3 स्मार्टफोन इस हफ्ते लॉन्च हो रहे हैं, जैसे Poco का M6 लॉन्च हो रहा है,
ये स्मार्टफोन काफी अच्छा स्मार्टफोन रहेगा। केवल 12,999 रुपए की प्राइस एक्सपेक्ट की गई, जिस हिसाब के इसकी स्पेसिफिकेशन है। 6.89 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगा, कैमरा 108 मेगापिक्सल का मिल जाता है, बैटरी 5000 mAh की दी गई है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाले। पोको का M6 Plus है, M6 Plus तो ये स्मार्टफोन 1 अगस्त 2024 यानी अभी लॉन्च होने वाला है। तो ये स्मार्टफोन आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, कम प्राइस में भी होगा, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसी प्राइस में लगभग देखने को मिलेगा। दूसरा स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स का 40X 5G स्मार्टफोन, ये लॉन्च हो रहा है बहुत जल्द, 5 अगस्त को बताया जा रहा है कि मीडियाटेक का 6300 का चिपसेट मिलता है, 108 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिल जाता है इसमें देखने को, और 5000 mAh की बैटरी मिलती है। 6.78 इंच की फुल HD+ वाली डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिलेगी। इस फोन में इसकी प्राइस 16,999 रुपए हो सकती है, इन्फिनिक्स 40X 5G स्मार्टफोन। तो वीवो V40 भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। तो ये दो स्मार्टफोन और भी अपडेट थे दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में भी चैनल के बारे में जरूर लिखें, चैनल अपना समझ के सब्सक्राइब भी कर लें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।